श्री दशमेश कॉन्वेंट स्कूल अट्टी की ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत है नौवीं दसवीं वाले विद्यार्थियों का। बेटा चैप्टर वाइज भी असं शुरू होवांगे, अठवीं भी तुसी वो कुछ किया, अज असी एक थ्योरम करांगे थेल्स थ्योरम। थ्योरम का मेन सानू बेसिकल फंडा की है, इन ए ट्रैंगल, मान लो साडी ए बी ट्रैंगल आ, ए बी सी गिवन सानू की आ, इन ट्रैंगल ए बी सी डी ई पैरलर बी सी। थ्योरम में की कहती है, किसी भी ट्रैंगल च जे एक लाइन कोई असी ड्रा करते हो एक लाइन के पैरलर आ, तो जिहड़ियां बाकी दो ट्रैंगल दियां तीन साइडां ए बी बी सी ते ए सी, जिहड़ी डी ई आ किहदे पैरलर आ बी सी साइड ते, तां उह की करदी आ बाकी जिहड़ियां दो साइडां आ उहनां नूं इक्वल प्रोपोर्शन च वंडदी आ। टू प्रूव असीं की करना, ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। उस दिन भी मैं तुहानूं दस्सिया सी वी जे थ्योरम दे चार पार्ट आ, गिवन टू प्रूव अगे कंसट्रक्शन, इच की आ ड्रा ए बी सी डी ई, उस तो बाद असी एफ कर सकते डी एफ परपेंडिकुलर ए सी, एफ तो बाद बेटा किहड़ा जांदा जी ई जी परपेंडिकुलर ए बी एंड ज्वाइन डी सी ते ई बी। इत्थे तक जरूर करना, जिस तरह मैं पहला कल्ला बच्चे की करते पहला सारी डायग्राम बनाते और रोंग है, जिस तरह साड़ी गिवन है टू प्रूव या कंस्ट्रक्शन उस तरह असी डायग्राम ड्रा करनी है। इस तो बाद प्रूफ इसका वेरी ईजी आ, असी कंपेरिजन करना है दो ट्रैंगलों का, ए डी ई अपॉन ट्रैंगल डी ई बी, दूसरा कंपेरिजन करना है ट्रैंगल ए डी ई ते उहदा डी ई सी। हुण इत्थे मैं प्रूफ चल जाना, इह च तीन पॉइंट आ मेन, असी प्रूफ उहना साडी थ्योरम इह सॉल्व आ। प्रूफ की आ, एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल बी ई बी, एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई बी। दूसरा असी इत्थे फर्स्ट पॉइंट यह आ, दूसरा असी इत्थे यही लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई सी, उत्थे डी ई बी सी, इत्थे डी ई सी आ ट्रैंगल डी ई सी। इतों भी असी कर सकते, उपर वाली ट्रैंगल याद रखनी है ए डी ई, थले डी ई नाल की आ बी, इत्थे सी आ गया। एरिया ऑफ ट्रैंगल मैं पहला भी सारे बच्चों दस्सिया की फार्मूला, वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, इत्थे भी यही एरिया ऑफ ट्रैंगल बेस इंटू अल्टीट्यूड, वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड इक्वल टू वन अपॉन टू। बेटा जिहड़ा ट्रैंगल ए डी ई आ, ए डी ई इहदा बेस की आ ए डी, इहनू होर भी असी सौखा कर सकते हैं, ए डी इहदा बेस आ, ते दूसरा जिहड़ा ट्रैंगल साडी की आ डी ई बी, डी ई बी इहदा बेस किहड़ा डी बी आ, इहदा बेस डी बी आ मल्टीप्लाई बाई अल्टीट्यूड, इन्हां दोहां ट्रैंगलां दा अल्टीट्यूड ईजी आ, जिहड़ा परपेंडिकुलर आ, क्योंकि ट्रैंगल कई बार बेटा इस तरह की हुंदी आ, ट्रैंगल इहदा अल्टीट्यूड असी इस तरह ड्रा करते हैं, सेम जिहड़ी पोजिशन आ
डी बी ट्रैंगल च है, इनू असी जो देखा तो वह ट्रैंगल साड़ी इस तरह की अल्टीट्यूड ईजी है, इतने साडा ईजी ना ईजी कैंसल, 1/2 ना 1/2 कैंसल, साढ़े को रह गया ए डी अपॉन डी बी जो साडा प्रूफ करना जो उस लैफ्ट हैंड साइड है। हुण इत्थे भी 1/2 इहदा बेस की आ ए अल्टीट्यूड साडा की आ डी एफ, इहदा बेस साडा की आ इत्थों असीं चेक करवांगे ए अपॉन ई सी, अल्टीट्यूड साडा डी एफ है, कैंसल कैंसल साडे कोल की रह गया ए अपॉन ई सी। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਡੀ ਈ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਵੀ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਏ ਡੀ ਈ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਡੀ ਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਈ ਈ ਅਪੋਨ ਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ, ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਏ ਡੀ ਈ, ਏ ਡੀ ਈ ਏਰੀਆ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੱਟ एरिया ऑफ ट्रैंगल डी वी बी जो थले है डी ई वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई सी। जिहड़ी ट्रैंगल साडी डी ई वी आ ते डी ई सी आ इन्हां इन्हां दे एरिया आपस विच बराबर आ, कल्ले आ आह असी जरूर इत्थे लिखणा प्रायोरिटी ट्रैंगल्स ऑन सेम बेस, सेम बेस between parallel lines, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੀ ਈ ਆ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਈ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਰੋਮ 1, 2, 3 की क्लियर हो गया ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हैंस प्रूवड। बेटा ये साड़ी जी थेल थ्यूरम आ, तो जे तुम हरेक पिछली बार मैं तुम्हें पाइथागोरस थ्यूरम कराई से कि थेल्स करवाई आ, नैक्सट थोड़ा चैप्टर भी स्टार्ट करा, जे तुम हरेक संडे की संडे कल संडे आ ये थ्यूरमा करी जावोंगे तो दसवीं जरा अगली बार बोर्ड आ हरेक बच्चे की मैट के नेड़े होगा, जरा मैट होगी। थैंक यू।